तो हेलो एवरीवन, मैं आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो लाहौर 1947 एंड स्काई फोर्स के क्लैश के बारे में हम चंद बातें करेंगे और दोनों के मेकर्स को ही बताना चाहूंगा, यानी कि आमिर खान प्रोडक्शन को एंड मैडॉक मूवीज को। इन दोनों का मैं बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्शन हाउसेस को झेलना पड़ सकता है। क्योंकि देखो, दोनों ही जो मूवीज है ना, एक तरीके से देखा जाए एक तो कमबैक मूवीज यहाँ पे मुझे अक्षय कुमार की लग रही है, क्योंकि मैडॉक की मूवी है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्टोरी होगी, मुझे पता है कि अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होगा। एंड यहाँ पे जो लाहौर 1947 है वो सीधा गदर 2 के बाद में सनी देओल के काम को सीधा प्रकाशित करेगी, यानी कि उस पर रोशनी डालेगी कि आगे सनी पाजी का जो करियर है वो किस गति में जा सकता है। देखो, नो डाउट अबाउट इट, यहाँ पे हमें पता है कि सनी पाजी की लाहौर 1947 एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, एक अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है। लेकिन जो यहाँ पे पात्र हैं, मैं दोनों तरफ की यहाँ पे बात रख के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, दोनों ही तरफ की, यानी कि जो हेटर्स हैं सनी पाजी के मैं उनकी भी यहाँ पे सुनकर, एंड जो यहाँ पे लवर्स हैं जो सनी पाजी को यहाँ पे भाई सपोर्ट करते हैं, हम लोग सपोर्ट करते हैं सनी पाजी को, यहाँ पे हमेशा सपोर्ट रहेगा, उनकी मूवीज को हमेशा यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। तो मैं वो चीज़ भी अपना खुद का एक ओपिनियन यहाँ पे रख रहा हूँ, एंड हेटर्स को भी यहाँ पे जवाब देना चाहता हूँ कि देखो ऐसा अगर हुआ तो ऐसा हो सकता। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षय कुमार के ऊपर चलते हैं। देखो, अक्षय कुमार इस साल 3 मूवीज के साथ में आते हैं, पहली बड़े मियाँ छोटे मियाँ, फिर सरफिरा, फिर खेल खेल में। बड़े मियाँ छोटे मियाँ को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा हाइप मिल गया क्योंकि एक बड़े बजट की मूवी थी, लेकिन फिर भी वो मूवी नहीं चलती है। हालांकि मैं उस मूवी को देखने गया था अली अब्बास जफर की वजह से, लेकिन मूवी नहीं चली। सरफिरा एक रिमेक थी, वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप रही। फिर उसके बाद में खेल खेल में ही, देखो यहाँ पे मैं खेल खेल में को ये नहीं कहूँगा कि बेकार मूवी थी, मैं ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ वो नहीं चली, बस नहीं चली। पब्लिक को यहाँ पे उनको देखना ही नहीं है, अक्षय कुमार को हर 2 महीने में अगर अक्षय कुमार आते रहेंगे तो नहीं देखना। तो यहाँ पे मैडॉक ने अपना कंटेंट बचाने के लिए इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पता है कि भाई अक्षय कुमार को कोई देखना नहीं चाह रहा है अभी, और इस साल में अक्षय कुमार को लेके आना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। स्त्री 2 में यहाँ पे देखो एक तरीके से देखा जाए अक्षय कुमार का कमबैक हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे अक्षय कुमार की फिल्म नहीं थी। अगर अक्षय कुमार की फिल्म होती तो मुझे लगता है कि वो भी फ्लॉप हो जाती। अब बात करते हैं लाहौर 1947 में। देखो, एक के बाद एक अपडेट लाहौर 1947 की निकलने वाली है। सिर्फ यही महीना बचा है, अक्टूबर में आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। देखो, एक प्री प्लान्ड होता है जो कि अक्टूबर में चल रहा है, एक अनप्लान्ड होता है जो कि यहाँ पे कभी भी हो सकता है, और यहाँ पे आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से कभी भी कुछ भी इस मूवी से रिलेटेड आ सकता है। अगर मूवी नहीं पोस्टपोन हो रही है तो उसकी रिलीज डेट कंफर्म होगी कि भाई हम लोग उसी दिन आ रहे हैं, यानी कि अब 25 या 26 या 23 जनवरी कब की होने वाली, कौन से दिन की होने वाली है, मैंने कैलेंडर में अभी नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताना। अब देखो, दोनों ही मूवीज को क्या क्या नुकसान होगा। देखो, अक्षय कुमार का देखा जाए पब्लिक के माइंड में एक चीज होगी और मेकर्स इस तरीके से दर्शाएंगे कि अक्षय कुमार का कमबैक है, ठीक है, तो अक्षय कुमार के ज्यादातर फैंस इस मूवी को देखने जाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो अक्षय कुमार के फैंस हैं वो सनी पाजी के भी फैंस हैं, समझ के चलो ये दोनों फैंस एक ही हैं। बहुत कम होंगे जो अक्षय कुमार के फैंस नहीं होंगे, लेकिन ज्यादातर अक्षय कुमार और सनी पाजी के जो फैंस हैं वो दोनों एक ही हैं। अब जब दोनों मूवीज दोस्तों एक दिन आ रही है तो इससे यहाँ पर नुकसान ये होगा कि सनी पाजी की जो फर्स्ट डे की जो ओपनिंग है उसमें यहाँ पे फर्क बैठेगा, और यही चीज सीधा स्काई फोर्स पे भी होगी। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि सबसे पहले तो मैं अक्षय कुमार की जो मूवीज आ रही हैं अभी हाल फिलहाल में, इसमें एग्जिबिटर्स भी जो है ना पीछे आ रहे हैं, ये नुकसान होगा। एग्जिबिटर्स यानी कि जो सिनेमा हॉल वाले होते हैं वो लोग भी अक्षय कुमार की मूवीज को नहीं ले रहे जानबूझ के, वो जब ले रहे हैं जब अक्षय कुमार एक सोलो रिलीज कर रहे हैं, समझ के चलना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि अभी 15 अगस्त के ट्रिपल क्लैश में खेल खेल में को बहुत कम शोज मिले थे, बहुत कम, समझ के चलो मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर सनी पाजी के साथ में आते हैं तो अक्षय कुमार तो भाई OMG 2 के बाद में कितनी बार दिख चुके हैं, लेकिन सनी पाजी एक बार दिख रहे हैं सीधा गदर 2 के बाद। तो यहाँ पे एग्जिबिटर्स भी पागल नहीं होंगे, एग्जिबिटर्स को भी पता है कि जो कम दिखेगा ज्यादा डिमांड उसी की है, सीधा लाहौर 1947 को शोज दे दो। ये मैं अक्षय कुमार के फैंस की या अक्षय कुमार की बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखो, अक्षय कुमार को देख देख के हम लोग बड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अक्षय कुमार इस मूवी को सोलो रिलीज करें। देखो, कंटेंट मुझे अच्छा लग रहा है और एक पैट्रियोटिक मूवी है, मैं ये समझता हूँ कि जरूरी नहीं है कि 26 जनवरी पे लाया जाए। देखो, जब पाजी यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हैं तो वहां पे आना ही नहीं चाहिए, रेस्पेक्ट देम, अपने सीनियर की रेस्पेक्ट करो भाई, जैसे साउथ में होता है। कंगुआ मूवी 10 अक्टूबर को आनी थी,
क्यों पोस्टपोन हो रही है? क्योंकि वहां पे रजनीकांत साहब आ रहे हैं, वो देखो यहाँ पे क्लियर है कि वो बाद में आए हैं, लेकिन भाई रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से रेस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, अपनी कलेक्शन को तोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे सनी बाजी का देखो, अगर दिमाग घूम गया और आमिर खान प्रोडक्शन का दिमाग घूम गया, तो मैं आप लोगों से दोस्तों लिख के दे रहा हूँ कि ये मूवी हिलेगी भी नहीं वहां से, और ऐसा तोड़ देगी ना, ऐसा तोड़ देगी, चाहे वो मैडॉक हो चाहे कोई भी हो। यहाँ पे जो एक दिमाग जो जा रहा है ना, वो मैडॉक की मूवी है, इस वजह से जा रहा है, क्योंकि जब ही जान इस मूवी के अंदर जब ही आई है। अगर मैडॉक के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्शन हाउस होता ना, तो 2 अक्टूबर को रिलीज होती, बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती, क्योंकि पब्लिक देखना नहीं चाह रही है। मैडॉक ने ये दिमाग लगाया कि भाई हमारा कॉन्टेंट यहाँ पे फेल ना हो जाए, तो इसी वजह से हम उसको वहां ले जाए। लेकिन जिस तरीके से गदर टू थी, OMG2 जब वहां पे आके बैठी, तो यहाँ पे अनिल शर्मा ने एक ट्वीट किया था, आपको अगर याद होगा, तो उन्होंने बोला था कि हम कहीं नहीं जाने वाले, अगर हमें देख के कोई और जाता है तो जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो वो वहीं थे। तो यहाँ पे अगर आमिर खान इसी तरीके से कुछ ऐसा अपना स्टेटमेंट रख दे कि हम कहीं नहीं जाने वाले, और हम एक पोस्टर भी दे दें, तो भी यहाँ पे वेल एंड गुड है। मैं तो कहता हूँ कि एक पोस्टर आते ही ना सोशल मीडिया पे ऐसा हंगामा सा मचेगा, इतनी हाइप क्रिएट हो जाएगी लाहौर 1947 की, और ये वो टाइम है, इस टाइम पे दे देना चाहिए एक आध पोस्टर, क्योंकि यहाँ पे हिल जाएगा मैडॉक भी, फटके हाथ में आ जाएगी भाई साहब। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि वो लोगों को लग रहा है कि आमिर खान जो है इधर उधर जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आमिर खान क्लैश नहीं कर सकते, क्योंकि आमिर खान चाहते हैं सोलो रिलीज करना, लेकिन यहाँ पे आमिर खान गेम खेल जाए, और आमिर खान यहाँ पे रिलीज डेट देते सीधा 23 जनवरी या 24 जनवरी की। देखो वो बात एक अलग है, जैसा होता आ रहा है और जैसा होता है कि 26 जनवरी का मौका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दिन ना रिलीज हो के हो सकता है अल्टरनेट डे में रिलीज हो, यानी कि आज लाहौर 1947 रिलीज हो रही है तो अगले दिन स्काई फोर्स रिलीज हो रही है, इस तरीके से तो मैं मान सकता हूँ। हाँ, लेकिन वीकेंड क्लैश होगा, डे वन की ओपनिंग ना क्लैश हो, लेकिन वीकेंड यहाँ पे ये 100% क्लैश करा के रहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि भाई यहाँ पे बाई चांस पे बहुत कुछ चल जाता है, बाई चांस पे अब वो दौर गया, यहाँ पे कॉन्टेंट पे बहुत कुछ चलता है, कॉन्टेंट था स्त्री 2 इसलिए चला है, नहीं होता तो नहीं चलता, खेल खेल में अच्छा कंटेंट था लेकिन उससे अच्छा कंटेंट स्त्री था इसलिए वो चला, वरना वो भी नहीं चलता, वरना साउथ में ही चलता कुछ ना कुछ, साउथ में भी थंगलान आई थी भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे नुकसान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे होगा लाहौर 1947 का। और देखो 100 से 150 करोड़ के बजट में यहाँ पे मूवी बनी है, तो यहाँ पे स्काई फोर्स का भी जो बजट होगा ना वो भी इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो दोनों ही मूवीज अगर 100 से 150 करोड़ के बजट में बन रही है और वहां पे जाके अगर 300, 350 करोड़ या 400 करोड़ भी कमा लेती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार की तो खैर मैडॉक जो प्रोडक्शन हाउस है वो अपना खर्चा निकाल ले, लेकिन वो 300, 400 करोड़ मुझे नहीं लगता कि जा सकता जब सामने सनी बाजी हो, और शोज मिलने में भी बहुत कठिनाइयां होंगी देखना। आप, मैं मैडॉक के इस पहलू पे नहीं जाऊंगा कि उनका एक यूनिवर्स है कि अगर आप लोग हमारे यूनिवर्स को लेना चाहते हैं तो आप हमारी स्काई फोर्स भी चलाएं, मैडॉक ये गेम खेलेगा, ये खेलेगा, क्योंकि वो कहेगा कि हमारी इस अगले यूनिवर्स की मूवी आ रही है, हम वो नहीं देंगे, आप जो है स्काई फोर्स लगाइए। लेकिन यहाँ पे एग्जीबिटर भी एक चीज देखेंगे, सामने अक्षय कुमार है, उसको पैसा कमाना है, यहाँ पे नुकसान नहीं झेलना, क्योंकि वो सीधा अब लाहौर 1947 को शोज देंगे, और ये ही होना है और ये होना चाहिए। बाकी नीचे कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है, जो मेरी बात मैंने रखी है आप उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।